बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यूनिवर्सिटी ने एक विद्यार्थी को ग्रेजुएशन के तीनों पार्ट को मिलाकर 800 में से 868 मार्क्स दे दिए। साथ ही स्टूडेंट को पार्ट तीन के ऑनर्स के पेपर 5 में से कुल 100 अंक के बदले 555 अंक दे दिया। इस खबर के चलने के बाद परीक्षा विभाग की नींद टूटी और उस विद्यार्थी के रिजल्ट को सही किया गया। साथ ही इस मामले में परीक्षा नियंत्रक रामाशीष ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, काम में काफी प्रेशर और समय पर परीक्षा फल प्रकाशित करने के कारण ये मिस्टेक हुई और इसे सुधार दिया गया है। साथ ही एक अन्य मामला जिसमें भी गलती हुई थी ठीक कर लिया गया है। जैसे ही जानकारी 30 तारीख को रिजल्ट हम पब्लिश किए और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद हमको करीब 4-5 बजे जानकारी मिली कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तुरंत हमने ऑपरेटर को बुलाया और तुरंत उस पर कार्रवाई करके पहले हम मार्क्स था निकाले, सही किए 555, एक्चुअली 55 नंबर था और वो प्रिंट हो गया था 555। ये मिस्टेक हुई है हमारे ऑपरेटर के द्वारा, है ना, प्रेशर में काम के हो या जो भी रहा हो, चूँकि लगातार दिन रात काम चल रही थी, है ना, इसके लिए नैतिक रूप से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमने ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट निकाला है ना, 99% बच्चे पास किए हैं जो आप TRSA वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा रिजल्ट मुंगेर विश्वविद्यालय का आज तक कभी न हुआ है, क्योंकि आप पिछला रिजल्ट भी देख लीजिए कि क्या रिजल्ट के यहाँ दशा थी, कितने दिन में रिजल्ट निकलती थी, 10-10 महीने में रिजल्ट यहाँ निकला है, जबकि इस रिजल्ट को हमने मात्र दिया 1 महीना 5 दिन में। आप कहेंगे कैसे, 25 अप्रैल से हमने वैल्यूएशन शुरू करवाया, पहले कॉमर्स का, फिर साइंस का, फिर आर्ट्स का, और 29 तारीख को हमने कॉमर्स का रिजल्ट 4 दिन में दिया। 100% रिजल्ट हमारे सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट किए, क्योंकि यह हम मानते हैं कि मुंगेर विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं अत्यंत मेधावी हैं, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, जो गलतियां उसको क्या मानते हैं सर, मैन पावर की कमी है, टेक्निकल हैंड नहीं है ज़्यादा, क्या मानते हैं? टेक्निकल माने एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना, वो हमारे यहाँ कमी है, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा एक्सपर्ट आवे ताकि इस तरह की गलतियाँ भविष्य में नहीं हो, है ना। कितने बच्चों का सर रिजल्ट में ऐसा अब तक आपके? अभी तक जो हम जानकारी दो, एक तो जेमपुर जमुई का है, एक बरहिया महिला कॉलेज की है एक बच्ची का। बता दें कि मुंगेर यूनिवर्सिटी की ओर से बीते 30 अप्रैल 2022 को सेक्शन का ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट में KKM कॉलेज जमुई के इतिहास ऑनर्स के छात्र दिलीप कुमार शाह को पार्ट तीन के पेपर 5 में 100 में से 555 मार्क्स दिए गए, जिसके कारण उसका कुल प्राप्तांक 1130 हो गया। इसके कारण उसका मार्क्स परसेंटेज 108.5% हो गया। रिजल्ट की कॉपी को विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट।